दोस्तों, अगर आप भी हनुमान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज शेट्टी, वेनिला किशोर, समूह थिरकानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों, गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अब अपन पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त श्री के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रत्न को दिखाई दिया गया है, और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर
प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। ऐसे रतन में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है जो अपने भैरवियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक भैयावे गांव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतों ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्र में फेंक दिया गया, जहां उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतों के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज शेट्टी, वेनिला किशोर, समूह थिरकानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों, गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अब अपन पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवर से इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा।
आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त श्री के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रत्न को दिखाई दिया गया है और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रत्न में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है जो अपने भैरूपियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक भयावह गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतु ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्र में फेंक दिया गया, जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काफी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतु के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है, हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हनुमान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन ने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टारकास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टारकास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वल्लक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज शेट्टी, वेनिला किशोर, समूह तिरकानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है, आप इस मूवी को एक बार जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है एंड
रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेस बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अब अपन पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप मूवी को जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और ZEE5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त श्री के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रतन को दिखाई दिया गया है, और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रतन में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है, जो अपने भैरूपियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक भयावह गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतु ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्र में फेंक दिया गया, जहाँ उसे गलती से देवी मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतों के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है, हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हनुमान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है।
तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अब अपन ने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज शेट्टी, वेनिला किशोर, समू थिरकानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अपन पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और ZEE5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त सिरी के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रत्न को दिखाई दिया गया है, और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रत्न में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है, जो अपने भैरूपियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक भयावह गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतों ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्र में फेंक दिया गया, जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतों के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है।
आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते ही रहने हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हनुमान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन ने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज सेट्टी, वेनिला किशोर, समूथिर कानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अपन पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और Zee5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त सिरी के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है।
फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रत्न को दिखाई दिया गया है और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रत्न में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है जो अपने भैरूपियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक भैयावे गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतों ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुन्द्र में फेंक दिया गया, जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतों के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं रहने यो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वल्लक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज शेट्टी, वेनिला किशोर, समूथिर कानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों, गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अपन पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक वर्ष इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Disney+, Hotstar और G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है।
दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर चेक कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त सिरी के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रत्न को दिखाई दिया गया है, और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रत्न में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है जो अपने भैरवियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक भयावह गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोते मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतों ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्र में फेंक दिया गया, जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतों के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है, हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हनुमान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन ने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज शेट्टी, वेनिला किशोर, समूह तिरकानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है, आप इस मूवी को एक बार जरूर एंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अपन पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप मूवी को जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और Zee5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त श्री के नवाचारों का उपयोग करता है लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रतन को दिखाई दिया गया है और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रतन में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है जो अपने भैरूपियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक भयावह गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतु ने घात को विफल कर दिया लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्र में फेंक दिया गया जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतु के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हनुमान मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बना है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए।
आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन ने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज सेट्टी, वेनिला किशोर, समूह थिरकानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अपन पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक ओवर से इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त श्री के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रतन को दिखाई दिया गया है, और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रतन में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है, जो अपने भैरूपियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक बयावे गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतु ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्र में फेंक दिया गया, जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं।
हालांकि हनुमंतु के गांव तुरंत टेक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है, हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं रहने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हनुमान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में, हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन ने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज शेट्टी, वेनिला किशोर, समूह तिरकानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है, आप इस मूवी को एक बार जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो की काफी अच्छी बात है। दोस्तों गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अपन पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और Zee5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है, दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं।
वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त श्री के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रत्न को दिखाई दिया गया है और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रत्न में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है जो अपने भैरवियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक बयावे गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतु ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्र में फेंक दिया गया, जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतों के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है, हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वल्लक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज शेट्टी, वेनिला किशोर, समूह तिरकानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों, गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अब अपन पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है।
हर एक वर्चुअल मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त सिरी के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रत्न को दिखाई दिया गया है, और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रत्न में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है जो अपने भैरूपियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक भयावह गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतु ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्र में फेंक दिया गया, जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतु के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है, हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हनुमान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन ने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, बाललक्ष्मी, शरद कुमार,
रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज सेट्टी, वेनिला किशोर, समू थिरकानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो की काफी अच्छी बात है। दोस्तों गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अपन पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक वर्ष इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और ZEE5 के ऊपर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त श्री के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रत्न को दिखाई दिया गया है, और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रत्न में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है, जो अपने भैरवियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक भयावह गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतों ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुन्द्र में फेंक दिया गया, जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतों के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं न्यू नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हनुमान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा।
और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन ने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज शेट्टी, वेनिला किशोर, समूह थिरकानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अपन पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक वर्ष इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और ZEE5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त श्री के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रतन को दिखाई दिया गया है, और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रतन में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है, जो अपने भैरूपियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक भयावह गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए
भावनाएं रखता है, मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतु ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्र में फेंक दिया गया, जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतु के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है, हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बना है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों पापा ने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज शेट्टी, वेनिला किशोर, समूह तिरकानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है, आप इस मूवी को एक बार जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोस की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों, गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अपन पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक ओवर से इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और Zee5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा,
बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त श्री के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रतन को दिखाई दिया गया है, और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रतन में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है जो अपने भैरूपियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक बयावे गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोते मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतु ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्र में फेंक दिया गया, जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतु के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है, हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हनुमान मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन ने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज शेट्टी, वेनिला किशोर, समूह तिरकानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है, आप इस मूवी को एक बार जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है, एंड
रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अपन पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप मूवी को जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक वर्ष इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त श्री के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रतन को दिखाई दिया गया है, और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रतन में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है, जो अपने भैरूपियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक भयावह गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतु ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्र में फेंक दिया गया, जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतु के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हनुमान मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है।
तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन ने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज शेट्टी, वेनिला किशोर, समूह तिरकानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अपन पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और ZEE5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त श्री के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रत्न को दिखाई दिया गया है, और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रत्न में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है, जो अपने भैरूपियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक भयावह गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतु ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुन्द्र में फेंक दिया गया, जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतु के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा।
आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं रियल न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हनुमान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज शेट्टी, वेनिला किशोर, समूह तिरकानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आप इस मूवी को एक बार जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो की काफी अच्छी बात है। दोस्तों गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अब अपन पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक ओवर से इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त श्री के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है।
फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रतन को दिखाई दिया गया है और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रतन में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है जो अपने भैरूपियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक भयावह गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोते मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतों ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्र में फेंक दिया गया, जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतों के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन ने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज सेट्टी, वेनिला किशोर, समूह तिरकानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आप इस मूवी को एक बार जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों, गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अपन पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Disney+, Hotstar और G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है।
दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त श्री के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रतन को दिखाई दिया गया है, और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रतन में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है जो अपने भैरूपियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक भयावह गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतु ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्र में फेंक दिया गया, जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काफी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतु के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है, हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हनुमान मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बना है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन ने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज शेट्टी, वेनिला किशोर, समूथिर कानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अपन पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप मूवी को जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक वर्चुअल मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और ZEE5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त श्री के नवाचारों का उपयोग करता है लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रत्न को दिखाई दिया गया है और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रत्न में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है जो अपने भैरूपियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक भयावह गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतु ने घात को विफल कर दिया लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुन्द्र में फेंक दिया गया जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतु के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हनुमान मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए।
आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों पापा ने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज सेट्टी, वेनिला किशोर, समूह तिरकानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अपन पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक ओवर से इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और Zee5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त श्री के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रतन को दिखाई दिया गया है, और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रतन में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है, जो अपने भैरूपियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक बयावे गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतु ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुन्द्र में फेंक दिया गया, जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं।
हालांकि हनुमंतु के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है, हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हनुमान मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन ने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज शेट्टी, वेनिला किशोर, समूह थिरकानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है, आप इस मूवी को एक बार जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अपन पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होने ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Disney+, Hotstar और Zee5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं।
वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त श्री के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रत्न को दिखाई दिया गया है और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रत्न में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है जो अपने भैरूपियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक भयावह गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतु ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुन्द्र में फेंक दिया गया, जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतु के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है, हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपने इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज शेट्टी, वेनिला किशोर, समूह कानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है, आप इस मूवी को एक बार जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों, गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अब अपन पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है।
हर एक के वर्चे इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त श्री के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रत्न को दिखाई दिया गया है, और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रत्न में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है जो अपने भैरूपियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक भयावह गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतु ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्र में फेंक दिया गया, जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतु के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है, हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं गए नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हनुमान मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी, शरद कुमार,
रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज शेट्टी, वेनिला किशोर, समूह थिरकानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अब अपन पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और G5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त सिरी के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रतन को दिखाई दिया गया है, और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रतन में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है, जो अपने भैरूपियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक भयावह गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतों ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्र में फेंक दिया गया, जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काफी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतों के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हनुमान मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा।
और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वल्लक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज शेट्टी, वेनिला किशोर, समू थिरकानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आप इस मूवी को एक बार जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करें दोस्तों अब अपन पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक ओवर की इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और ZEE5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त सिरी के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रतन को दिखाई दिया गया है, और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रतन में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है, जो अपने भैरूपियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक भयावह गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए
भावनाएं रखता है, मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतू ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्र में फेंक दिया गया, जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतू के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान मूवी के बारे में। हनुमान मूवी किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बना है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 12 जनवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड एडवेंचर मूवी हनुमान, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों प्रशांत वर्मा, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। प्रशांत वर्मा ने दोस्तों इस मूवी को डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। आपको मूवी की स्टार कास्ट दोस्तों काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मूवी में स्टार कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि तेजा, अमृता अय्यर, वल्लक्ष्मी, शरद कुमार, रवि तेजा, विनय राय, दीपक राज शेट्टी, वेनिला किशोर, समोथिर कानी, गेटअप श्रीनु आदि कई बड़े कलाकार आपको इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है, आप इस मूवी को एक बार जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज की तरफ से भी दोस्तों इस मूवी को 88% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स दोस्तों काफी अच्छा दमदार रहा है। बात करें गूगल यूजर्स की, तो गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, जो की काफी अच्छी बात है। दोस्तों, गूगल यूजर्स की रेटिंग भी काफी अच्छी मानी गई है। बात करे दोस्तों अपन पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से भी इस मूवी को काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप मूवी को जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। बात करें ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और ZEE5 के ऐप पर देखने को मिलने वाली है। दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर आपके मूवी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है। आपको मूवी का प्रीमियम काफी पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा,
बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों आपको मूवी की कहानी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। उसका आकर्षण एक दुर्घटना की ओर ले जाता है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल मुंबई में मेगा मैन नाम एक सुपर हीरो बन जाता है और अपने दोस्त श्री के नवाचारों का उपयोग करता है, लेकिन खुद को एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की लालसा रखता है। फिल्म में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद से पैदा हुए एक दिव्य रतन को दिखाई दिया गया है और जो भगवान इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिण भारत के समुद्र में गिर गया था। इस रतन में भगवान हनुमान की शक्तियां हैं। समुद्र के पास अंजनादी है जो अपने भैरूपियों गजपति के अत्याचारों के अधीन एक भयावह गाँव है। अंजनादी का एक छोटा चोर हनुमंत स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी गजपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गजपति को खतरा महसूस होता है, इसलिए वे मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उस पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले हनुमंतों ने घात को विफल कर दिया, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्र में फेंक दिया गया, जहाँ उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। हालांकि हनुमंतों के गांव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है, हालांकि इसके बिना उसकी शक्तियां कम हो जाती है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी अच्छी मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।